अब हम आगे पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार। अभी हमने रेखा पढ़ लिया ना, अब हम रेखाओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रेखाओं के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार ऐसे होता है वो है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हुई? जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या कटती हैं तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो देखो, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, एक रेखा क्या है? ST, और बच्चों दूसरी रेखा क्या है? UV। ये दोनों किस एक बिंदु पर मिल रहे हैं? ये दोनों एक बिंदु U पर, एक बिंदु O पर मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाओगे, देखो ये है ना, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, एक बिंदु पर काट रही है। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हुई? ये दोनों रेखाएं हुई प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये दोनों दो रेखाएं हैं, मान लो नाम AB, CD, ये एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लो इस पॉइंट का नाम हमने M दे दिया, इस बिंदु का नाम M दे दिया, ये कैसी रेखाएं हो गई? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। अच्छा, कोई बच्चा एग्जाम्पल दे सकता है, उदाहरण दे सकता है अपने आसपास देख के प्रतिच्छेदी रेखा का? कहीं आप देख पा रहे हो अपने आसपास? नो मैम, अच्छा, अभी चैट नो बॉक्स अनम्यूट नहीं करना है, अनम्यूट नहीं मैम, करना है, अनम्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं करना है। तो भी मैं बताती हूँ आपको, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, चैट बॉक्स में भी मैंने बंद किया हुआ है। तो बच्चों, हेलो आप सभी के पास नोटबुक होती है ना? नोटबुक जो आपकी होती है उसमें एक तो ऐसे ऐसे लाइन होती है ना, हिंदी की नोटबुक मतलब सीधी लाइन होती है, यहाँ पर थोड़ा आपको टेढ़ा नजर आ रहा होगा, और एक यहाँ पर हाशिए वाली लाइन होती है, ठीक है। तो ये जो हाशिए वाली लाइन है, ये दूसरी वाली लाइन के साथ क्या हुई? प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर भी क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। तो सभी बच्चे कॉपी में नोट कर लेंगे इसकी परिभाषा, कि जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं एक दूसरे को तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। सब बच्चे इसे नोट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं में ही एक प्रकार है, उन्हीं का एक प्रकार है लंबवत रेखाएं, ठीक है। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो वह दोनों लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? दो प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ी थी, पर अगर वो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटे, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, उन्हें हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर है ये ए बी एक रेखा पर, और जो ये एक्स वाई रेखा है ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये क्या हुई? लंबवत रेखाएं, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाओगे, देखो ये बना हुआ है 90 डिग्री का कोण, ये सभी को 90 डिग्री का कोण नजर आ रहा होगा। और आपने इसमें एक और चीज देखी होगी, देखो ये जो ऐसे करके निशान है जो मैंने अभी रेड कलर से किया है, तो ये किस चीज का निशान है? ये समकोण का निशान है। तो अगर दो रेखाओं के बीच में ऐसा निशान बना है और नहीं लिखा है 90 डिग्री, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है? लंबवत रेखाएं है ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिल रही है, किसी एक बिंदु पर मिल रही है ना बच्चों, किसी एक बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। पर एक दूसरे से कैसे मिल रही है? एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाकर, एक दूसरे के साथ समकोण बनाकर मिल रही है, तो इन्हें हम लंबवत रेखाएं कहते हैं, ठीक है। मिल तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे के साथ समकोण बन दो रेखाएं एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं, जब वो कटती है समकोण बनाती है, तो उसे हम उन रेखाओं को हम रही है मैम, लंबवत रेखाएं कहते हैं, लंबवत रेखाएं कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल, देखो अगर दो रेखाएं हैं एक दूसरे को कट रही हैं,
तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई, मतलब किसी एक बिंदु पर मिल रही है तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई। दोबारा मैं अभी चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ, बट कोई भी ऐसे आपस में बातें नहीं करेगा। अगर आपको मेरी आवाज ना आए या कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? अनम्यूट नहीं करना, ठीक है? अभी मैं दोबारा से एक बारी में बता के दोबारा से भी बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, हम बात कर रहे थे समांतर रेखाओं की। उससे पहले मैं फिर से बताती हूँ, प्रतिच्छेदी रेखाएं हमने अभी अभी पढ़ा, हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं अभी पढ़ा जो एक बिंदु पर मिलती है, जो एक बिंदु पर मिलती है ना, पर वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। बट अगर वो किसी भी बिंदु पर मिले ही ना, कभी भी एक दूसरे से कटे ही ना, ऐसे काटे ही ना एक दूसरे, कभी भी एक बिंदु पर ना मिले, तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब ये समांतर रेखाएं जो होती हैं, इनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा एक समान होती है, वो हमेशा एक समान होती है, ठीक है बच्चों? समांतर रेखाएं क्या होंगी, जो कभी भी एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कभी भी आपस में जाकर ऐसे नहीं मिलेंगी, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा एक समान होगी। आप अपनी कॉपी की जो लाइंस देखते हो, आपकी नोटबुक पर जो लाइंस बनी रहती हैं, हिंदी की जो नोटबुक्स हैं, इंग्लिश की जो नोटबुक्स हैं, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती है ना, उनके बीच की क्योंकि दूरी क्या होती है, समान होती है हमेशा। तो ये कौन सी लाइंस हुई, पैरेलल लाइंस, जिन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और अब मैं कर रही हूँ चैट बंद, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझ रहे हैं और अब उनकी जाएगी कंप्लेन, ठीक है? आपको लगता है कि आपकी किसी चीज का यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं रहता है, बट आपकी एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, आपकी चैट का पूरा रिकॉर्ड रहता है, आपके सारे जो आप अनम्यूट करके बोलते हो, जो जो भी कुछ करते हो, सबका रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है, ठीक है? तो समांतर समान, अभी हमने क्या पढ़ा, प्रतिच्छेद रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती है या काटती है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, लंबवत रेखाएं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। आपको किस चीज का ध्यान रखना, आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको इस निशान का ध्यान रखना है, ये अगर ऐसा निशान है तो मतलब यहाँ पर, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस निशान को देखकर आप समझ जाना कि ये दोनों रेखाएं क्या है। अगर मान लो कुछ ऐसे करके भी बनी है ना रेखाएं, पर यहाँ पर आपको ऐसा निशान बना है ना, तो आप समझ जाना कि क्या बना है, 90 डिग्री का कोण है और ये लंबवत रेखाएं हैं, ठीक है बच्चों? अच्छा, अब एक और चीज का ध्यान रखना है, समकोण जो लंबवत रेखाएं उन्हें तो आप पहचान जाओगे, प्रतिच्छेदी रेखाओं को कैसे पहचानोगे, वो एक बिंदु पर टकरा रही होंगी है ना, लंबवत रेखाओं को कैसे पहचानोगे, ऐसा निशान बना होगा या वहां पे आपको दिया होगा कि ये कोण 90 डिग्री का है। अब प्रश्न ये है कि समांतर रेखाओं को कैसे पहचानोगे, हर बार आप ऐसे नापोगे थोड़ी कि ये आपस में मिलेंगी या इनके बीच की दूरी बराबर है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऐसे करके दो निशान बने हैं। तो अगर दो रेखाएं इस तरह से, उन पर ऐसा निशान बना है, ठीक है, तीर का ऐसा निशान बना है, तो मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है? प्रतिच्छेदी में आप देखोगे एक बिंदु होगा, लंबवत में आप देखोगे ऐसे करके 90 डिग्री का कोण का निशान होगा, और समांतर रेखाओं में दो रेखाएं दी होंगी और ऐसे तीर का निशान होगा, ठीक है बच्चों? अभी मैं कर रही हूँ चैट बॉक्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए ओपन, ठीक है? अगर किसी को यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया है, वो अपना सवाल लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है? मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, फिर उसके बाद हम एक जल्दी से एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नहीं तो आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अभी हम। ओके सर, सबको समझ आ गया है, ठीक है? तो अभी पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, नोटबुक का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरियां ऐसे होती है ना, ये अभी ऐसे फोटो ऐसे है, बट ये आप देखोगे कभी भी मिलती नहीं है आपस में, रेल की पटरी हमेशा ऐसे सीधी होती है ना,
तो रेल की पटरी जो है वो समांतर रेखाओं का एक उदाहरण है, और ऐसे उदाहरण आपको भी और सोचने हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक बार जल्दी से, अपने आप को म्यूट रखेंगे, मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ, ठीक है। बच्चे म्यूट करो अपने आप को, ठीक है। और अब मैं चैट बंद कर रही हूँ, ठीक है, और मैं दोबारा से समझा रही हूँ एक बारी और जल्दी से, दोबारा से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। तो हेलो मैम, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, जो एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती है, जहां पर आप देखो दो ऐसे क्रॉस बनाए, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को मिल रही है एक बिंदु पर, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई, ठीक है। और अगर वो एक दूसरे से कैसे मिल रही है, समकोण पर मिल रही है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, वो लंबवत रेखाएं हुई, ठीक है। बट अगर ऐसे कभी भी ना मिले दो रेखाएं, और उनमें ऐसी दो रेखाएं और ऐसे तीर का निशान दिया है, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, ये आगे जाके कभी भी नहीं मिलेंगी, तो इन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ तो हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं और समांतर रेखाएं। अब हम जल्दी से कर लेते हैं एक प्रश्न, ठीक है। मैं पोल सेक्शन में, अभी आपने कहाँ जाकर जवाब देना है, सब बच्चों ने पोल में जाकर देना है जवाब, जाओ जल्दी से और आंसर करो, ध्यान से देखकर करना है, ठीक है। जिस बच्चे ने सही से समझा होगा, मैंने एक निशान बताया था, वो निशान आपको देखना है और फिर आपने जाकर उत्तर देना है। कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को, जिनके पास पोल सेक्शन नहीं है उनके लिए मैं भी थोड़ी देर बाद चैट बॉक्स उन बच्चों के लिए खोलूंगी, फिर वो वहां पर जवाब दे सकते हैं, बाकी सब बच्चे भी पोल सेक्शन में जाकर आंसर दीजिए। अभी काफी सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। चैट बॉक्स ही खुला नहीं है। मैंने चैट बॉक्स अभी बंद कर रखा है, पोल सेक्शन का ऑप्शन है ना, वहां जाकर जवाब दो, और अगर पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद मैं चैट बॉक्स खुद ओपन करूंगी थोड़ी देर बाद। मैम राजेश मैम डी मैम कुमार, राजेश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आपको समझ में आ ही नहीं रहा है ना, मैं और शंकर, शंकर कुमार के नाम से भी जो बच्चा है, आपको भी समझ नहीं आ रहा है, और आप मैम डी। मैम बी डी मैम बी जिसने भी अनम्यूट मैम किया वो गया क्लास में। चैट बॉक्स चैट खोल दो। बॉक्स, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, वहां जाकर आंसर दो, और चैट जिसने बॉक्स भी अनम्यूट किया वो खोल बस दो। क्लास से गया तो गया। अच्छा मैं भी तो चलो चलो अब हम देखते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मैम भी चलो ठीक है, अब अनम्यूट कर आओगो दिया ना, अब मैं निकाल रही हूँ क्लास से जिसने भी अनम्यूट किया है। तो काफी बच्चे बोल रहे हैं बी, काफी बच्चे बोल रहे हैं डी, तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। प्रश्न क्या था कि निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं, तो आपने सीधा सीधा मैंने एक निशान बताया था, समकोण का निशान क्या होता है, ऐसे बना रहता है, तो आप पहचान गए होंगे कि ये क्या है, समकोण बन रहा है, और अगर समकोण बन रहा है तो बच्चों क्या है, लंबवत रेखाएं हैं। तो देखते हैं उत्तर कौन सा सही है, बी उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर, और मैं चैट बॉक्स, चलो चैट बॉक्स में जिसने आंसर देना है दो, और मैं पोल सेक्शन भी ओपन कर रही हूँ, पोल सेक्शन में अगर आप जवाब दोगे तो मेरे पास उसका आंसर आएगा, ठीक है। जो आप चैट बॉक्स में लिखते हो मुझे नहीं पता रहता कि कौन क्या कर रहा है, उसका आंसर देखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपको बोला जाता है पोल सेक्शन में आंसर दो,
वेरी गुड। तो चलो मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों ने इसका आंसर सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चे देख के समझ गए होंगे। एक निशान आपको देखना था, हम कैसे देखते हैं। ओके, तो मैं देख लूं एक बार, फोर्थ सेक्शन में भी काफी सारे बच्चों ने उत्तर दे दिया है और काफी सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है, पर कुछ बच्चों ने ना बी भी किया है। ठीक है, कुछ बच्चों ने बी, और अभी भी कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। तो बच्चों मैंने बताया था आपको सिर्फ ऐसे देख के पता नहीं चलेगा, है ना, देख के पता नहीं चलेगा, आपने देखना है ये निशान, आपने देखना है ये निशान। मैं दूसरा कलर यूज करके बताती हूँ, ये निशान देखना है आपने। ठीक है, अगर ये निशान बना है, दो आपको ऐसे रेखाएं दी गई हैं, तो दो रेखाएं क्या है, समांतर है। ठीक है बच्चों, तो बी अगर यहाँ पर ऐसा निशान दिया होता कि तभी समांतर होती। ठीक है, तो बच्चों ये वाली रेखाएं समांतर नहीं है, इसका सही उत्तर है डी। तो अब जिन बच्चों ने ऑप्शन डी लिखा था उनको समझ आ गया होगा ऑप्शन डी ठीक क्यों है। कुछ बच्चों ने ए भी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैम बी आएगा। अगला प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो इसका। तो सभी बच्चों को मुझे लगता है आंसर आता है। काफी सारे बच्चों ने उत्तर दे, जी जी बच्चे लिख रहे हैं, देखो आप एक बार बी लिखोगे तब भी सही उत्तर होगा, अगर आप एक ही मैसेज में 10 बी लिखते हो उससे क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को मैम बी इस्तेमाल करो, कॉपी पर लिखो, है ना। और अब किसने अनम्यूट किया, जिसने अनम्यूट किया उसकी बारी आएगी क्लास से जाने की, काफी बच्चे जा चुके हैं क्लास से और फिर उनको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आप समझ रहे हो ना, मजाक में नहीं लेना, जो भी आपको सर ने यहाँ पर बोला आप लोग उसको मजाक में नहीं लोगे, सारा डेटा हमारे पास रहता है। चलो तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है बी। तो इसका आंसर तो सभी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया था, लंबवत रेखा के बीच का कोण कितना होता है, मुझे लगता है सभी बच्चों को पता है, ये दो लंबवत रेखाएं हैं, इनके बीच में कोण जो है वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, तभी ये लंबवत रेखाएं होंगी। तो सभी बच्चों को, अच्छा अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, प्रतिच्छेद रेखाएं, लंबवत रेखाएं और समांतर रेखाएं,